फिल्मी पर्दे की आड़ है पर सेख वेश्या हूँ, का फिल्मी पर्दे की आड़ है पर सेख वेश्या हूँ, मत कहो एक्टर मॉडल मुझे, मैं एक वेश्या हूँ। दोस्तों बड़ी अजीब सी कहानी है ये, और ज़िंदगी की सच्चाई भी है उन सभी हीरोइन की, उन सभी वेश्याओं की, क्योंकि जो मैंने देखा रियल लाइफ में, जो फिल्मी लाइन होती है उसके अंदर सेख वेश्या होती है और एक नॉर्मल वेश्या होती है। तो इस कहानी को सुनने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो मैं कहानी और कविता शुरू कर रहा हूँ दोस्तों, कि फिल्मी पर्दे की आड़ है पर सेख वेश्या हूँ, मत कहो एक्टर मॉडल मुझे, मैं एक वेश्या हूँ। और वेश्या बनने की मेरी बड़ी अजीब कहानी है, सबसे बड़ी दुश्मन मेरी खुद ही जवानी है। पापा को जब कैंसर हुआ, माँ रोए रोए फिरती थी और 10-10 रुपए के लिए भेड़ियों से कई बार चिढ़ती थी। तब जाके कहीं बैग से इंजेक्शन हिलता था और डॉक्टर भी दवाई बाद में देता, पहले माँ से मिलता था। एक रात माँ घर पे नहीं थी, डॉक्टर वापस मुड़ गया। तड़फ कर पापा का प्राण उसी रात उड़ गया, जिसने अपना जिस्म बेचा वो माँ भी जिंदा नहीं थी। ज्यादा दुख नहीं हुआ क्योंकि वो अपनी जगह सही थी। अब भाई बदमाशी करने लगा, मैं भीख मांगती रही, अपनी जिंदगी के दिनों को यूं ही लांघती रही। एक रात उठाया बैग, निकल पड़ी अपने घर से, जिस दहलीज ने बड़ा किया चल पड़ी उस दर से। अकेली स्टेशन पर ओढ़े कंबल मायूस बैठी थी, ना बोली किसी से, ना जाने किस ऐंठ में ऐठी थी। आंखों से आंसू सूख चुके थे, थक हार के सो गई। अपनी नगरी के सपनों की दुनिया में मैं खो गई। आंख खुलने पर देखा तो मैं कहीं और है, आंख खुलने पर देखा तो ये कहीं और है। तन पे कपड़े हैं नहीं, एक चुप्पी वाला शोर है। खुरदरी शक्ल का एक आदमी साथ बैठा था, शराब से सटा मेरे मुंह पे रखे हाथ बैठा था। कुत्ते जैसा हैवान औरों की नज़र में मर्द था। मैं 15 साल की लड़की, अब मेरे बदन में अजीब सा दर्द था। चलती रेल में उसकी गोद में हड़बड़ाने लगी, किस तरह छुटू चुंगल से जोर लगाने लगी। साथ वाले ना जाग जाएं, उसने मुझे छोड़ दिया। अपने नीचे दबाए बैठा था, सूट सलवार भी मोड़ दिया। अब नहीं है हिम्मत, यह कह के हिसाब दे दिया। उठ के चलने लगी तो शरीर ने जवाब दे दिया, और दर्द के साथ मेरी आंखें नम थी। इस रेल की रफ्तार भी धीरे धीरे कम थी। धक्का करके उतरी तो बड़े अक्षरों में मुंबई लिखा था। जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा बाजार दिखा था। सामने सरकारी हेडपंप दिखा, मैं भाग कर गई। सुनसान इलाका नहाने के लिए है सही, एक वीर रस का गान था। अब जिंदगी में एक नई उड़ान थी, एक वीर रस का गान थी, जिंदगी नई उड़ान थी। चल रही थी सड़क पे, एक भीड़ का टोला दिखा, एक बैनर टंगा हुआ, ऑडिशन फ्री था लिखा। है कोई और, जैसे एक आवाज आई, सब हट गए, मैं अकेली खड़ी पाई। आदमी बोला, हाँ बेटा दिखाओ क्या करोगी, उसके बाद ही फाइनल फॉर्म भरोगी। मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों आपा खोने लगी, डर कर मैं उन सबसे वहीं रोने लगी। आज तक तो सिर्फ और सिर्फ गालियां नसीब हुई थी जनाब, ये पहली दफा थी कि मेरे आंसुओं को तालियां नसीब हुई थी। सड़क पे खड़ी भीड़ से टलने को कहा, कुछ पैसे देकर उसने मुझे साथ चलने को कहा। बोले, तुम्हारे साथ अब यहाँ है, तेरे बेटा तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? अंकल बस बैग लाई हूँ, मैं घर से अकेली आई हूँ। सुडोल शरीर था, अच्छी जान थी, अब उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। 3 घंटे बाद मुझे एक गंजे से आदमी से मिलवाया, अच्छी एक्टिंग है लड़की की ये बताया। अब धीरे धीरे मेरा शरीर भी खिलने लगा, छोटे मोटे नाटक में मुझे रोल भी मिलने लगा। एक रात मुझे एक डायरेक्टर का फोन आया, मिलने के लिए एक सुनसान जगह पर बुलाया। एक फिल्म है कहती हो तो साइन करवा दूँ, 3 लाख का चेक बोल, तेरे नाम भरवा दूँ, बस ज़्यादा कुछ और नहीं। 3 रातों की बात है, हम 3 लोग हैं, सोच ले तेरे हाथ है। अब पैसे कमाने की राह पर मैं चल पड़ी थी, न जाने क्यों जीते जी एक नर्क के द्वार पे खड़ी थी। मेरे जिस्म की गंध से तर गए, न जाने कितने लोग अब मेरी जिंदगी से गुजर गए। जहाँ से उठी उन लोगों के लिए तो एक आदर्श थी, किरदार की दुनिया में सबके लिए सुनहरा वर्ष थी। सीता का किरदार निभाया, लोगों ने घरों में तस्वीर लगाई, मेरे रूप की कई जगह मूर्तियां भी बनवाई, पर हकीकत से बेचारे खुद अनजान थे। मानते थे मुझे भगवान, आखिर वो इंसान थे। कड़वा जरूर मगर सच है, मैं लक्ष्मी के रूप में भी बिकी हूँ, करके सौदा जिस्म का फिर दुर्गा के रूप में दिखी हूँ। चलो जो भी है, मगर पैसा कमा लिया, अपने शरीर से कारोबार जमा लिया। हाँ इतना है, सरेआम बदनाम नहीं हूँ, हमेशा फिल्मी पर्दे की आड़ में रही हूँ। संजीत आज जो भी है पर सेख वेश्या हूँ, मत कहो एक्टर मॉडल मुझे, मैं भी एक वेश्या हूँ। मत कहो एक्टर मॉडल मुझे, मैं एक वेश्या हूँ, मैं एक वेश्या हूँ।